आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पूनम क्रिएशन पर। आज की वीडियो के माध्यम से पूज्य महाराज आचार्य जी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो दिवाली पर हमें करनी है। तो आप इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आप जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में, बोलो? समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती, पति को पाने के बाद भी वो अपनी मां को भुला नहीं पाती। वो दिन भर मां से हाय हालो चलता रहता है। हाँ मां, खा लिया? हाँ मां, भाभी ने कुछ बोला तो नहीं? भाभी, हमारी मां का ध्यान रखा करो। और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर मां खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती अपनी भाभी को कि तू हमारी मां का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो मां की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी मां से फोन लगा के तो बात कर लेती है, मां क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि मां खा लिया कि नहीं। अपनी मां का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी मां है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी मां का और अपनी पत्नी की मां का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी हो गई? बताओ रिश्तों में किस चीज की कमी है आज, बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज, बोलो? क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा, प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी मां से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी मां से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, मां से सासू मां की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा, किसी को प्यार की दो बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी, जेहवा लड़खनाने लग जाएगी, क्या तारीफ करें। इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में, इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, आप में अवगुण ही क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, और आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है, उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, इतनी लंबी है ना, देखे हो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता, चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे।
एक बार राम बोले वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है, इसे डर लगता है कि कहीं कोई बांव के नीचे दबके मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले वाह प्रभु आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे इसलिए चलता है कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके, ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं, तो राम को उस बगुलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हां आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते, अपनी सास के बहू के जेठानी के देवरानी के पत्नी के पति के दोष तो सब देख रहे हैं, आओ हम रिश्तों में दोष नहीं रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें, हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी पत्नी में हमारे पति में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी बहू हमारी सास में अच्छाई क्या है ये देखें, हम देखते क्या है बुराई, क्या देखती हो मेरी मां बोलो, और बुराई देखते देखते क्या हुआ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोए जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना, हम सबसे बुरे थे पर सबको कहते रहे तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो प्रेम करना सीखिए, प्रेम आपके भीतर ज्यादा हो, सबके लिए प्रेम हो। मेरा प्रेम केवल अपनी मां के लिए होता तो फिर मैं 290 माओं में प्रेम कैसे लुटाता। गरीब ना बनो साहब कि प्यार केवल अपनी मां और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई के लिए प्यार हो, अरे हर दिन दुखी के लिए आपके अंदर प्यार का सैलाब होना चाहिए, सबके लिए प्यार हो, हर दिन दुखी के लिए आपका प्यार हो, हर मां के लिए आपका प्यार। अपनी मां से तो सब प्यार करते हैं क्या बड़ी बात, पर हर मां से प्यार आप कर पाए, हर मां के लिए प्यार हो, और प्यार क्या मीठे दो शब्द ही तो कहना है, सामने वाले का सुख दुख सुनकर के उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है, और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है। प्यार बढ़ाओ मेरी मां, सबके लिए प्रेम हो, जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माओ से प्यार करते हैं, सब माओ की सेवा करते हैं, सब माओ से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें ये बिल्कुल गलत है, सबसे प्यार सबके लिए प्रेम। बताओ भगवान सबसे प्रेम करते हैं या नहीं, भेद करते हैं कि तू मेरा है तू मेरा नहीं है। गाली दिया था शिशुपाल ने, 100 गाली देने वाले से भी भगवान ने भेद नहीं किया, उसकी भी सदगति कर दी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली को भी ले भे गतिम धात्रुचिताम, गति कौन सी, जो गति मां यशोदा को वो परम गति। भगवान भेद नहीं करते कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी आरती उतार रहे हो, जो आरती उतारने वाले की गति भगवान करते हैं वही गति गाली देने वाले की करते हैं, भगवान सब पे समान कृपा दृष्टि डालते हैं। जब भगवान सब पर समान करुणा करते हैं तो हम कौन होते हैं आपसे नफरत करने वाले, आपसे प्यार करें। आप आए गौरी गोपाल, हमने आपसे प्यार से बात की, प्यार से बिठाया, प्यार से भोजन कराया, इससे हमारा क्या घटा, आपका सम्मान बढ़ा। तो हम आपसे प्यार से दो बातें कर लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। हम चाहते हैं कि आप यहां से खुश होकर के जाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है आपको समय देता हूं, हर व्यक्ति से मैं मिलता हूं, सोचिए बैठकर आखिरी व्यक्ति तक से मिलता हूं मैं,
दिन भर मैं बैठ करके मिलता हूं, आप इतनी देर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। बैठने की भी एक क्षमता होती है, आदमी कितना बैठ सकता है। मैं आप लोगों के लिए बैठता हूं, 3 घंटे कथा सुनाने के बाद वहां दिन भर बैठता हूं, सवेरे 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपसे मिलता हूं, 2 बजे भी मिल जाता हूं और 3 बजे फिर कथा में आ जाता हूं। कथा के बाद फिर यहां भी मिलता हूं सबसे एक एक से, और वहां अंदर जाके फिर मिलूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी में फिर मिलता हूं आपसे, 1 घंटे बात करता हूं। क्यों मैं इतना क्यों करता हूं, मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आस्था से बड़ी श्रद्धा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, तो मैं आपसे मिल लूं बात कर लूं तो इसमें मेरा क्या घटेगा। यही तो प्रेम है, मैं आपकी ओर प्रेम से देख लूं, आपको प्रेम से देखकर मुस्कुरा दूं, आपसे प्रेम से 2 बातें कर लूं। आप इतनी तो चाहते हैं, इतना ही तो आप लेने आते हैं, आप कौन सा धन दौलत लेने आ रहे हैं। आज के जमाने में कोई पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है संसार। इसलिए सबसे प्रेम करो। सुनो, कुत्ता को भी आप प्रेम से रोटी देते हो ना, पूंछ ला के खाता है, कुत्ता भी जानता है कि प्रेम क्या होता है, हाँ या ना। बंदर भी जानता है प्यार क्या होता है। ये प्रेम की जो भाषा है ना, ये प्रेम की भाषा हर जीव जंतु समझता है, हाँ या ना। आप बिल्ली को हाथ फेरने लग जाओगे तो बिल्ली आपके प्रेम को महसूस करने लग जाएगी। और तो छोड़ो, सांप जहर से भरा है, उस सांप को भी आप प्रेम से वश में करना चाहो तो वो आपके वश में हो जाए, आपके आगे पीछे डोलेगा पर काटेगा नहीं। प्रेम में बड़ी ताकत होती है मेरी मां। प्रेम से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है, हाँ या ना। फिर आप कहती हो कि हमारा पति हमारे वश में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे वश में नहीं है, हमारा भाई हमारे वश में नहीं है। क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम यदि है तो प्रेम वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा ताकतवर है कि प्रेम की जंजीर? लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की जंजीर में कोई बंध गया कभी नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम से इतना, प्रेम से इंसान तो वश में होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर तो वश में होते हैं। ये प्रेम ही तो था मीरा का जिसने भगवान को वश में कर लिया, प्रेम ही तो था सूरदास तुलसीदास जी का जिसने ईश्वर को बांध लिया। अरे प्रेम में वो ताकत है कि ब्रह्मांड नायक परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे डोलता है। गोपियों के प्रेम के वश पर भगवान आगे पीछे डोल रहे हैं। प्रेम बड़ी चीज है साहब, आजकल प्रेम तो नहीं समझ रहे हैं लोग। आजकल प्यार से मतलब नहीं है, आदमी स्वार्थ के पीछे पड़ा है, प्रेम से कोई मतलब ही नहीं किसी को। पत्नी कितना प्यार करती है पति से, पति उसके प्यार को नहीं देखता, पति उसकी शकल देखता है कि तू है कितनी सुंदर, तेरी चमड़ी कैसी है, चमड़ी से प्यार है। आजकल प्रेम से कहां है, आजकल प्यार नहीं चाहिए किसी को, सब प्यार के गरीब हो गए हैं, प्यार नाम की चीज खत्म हो चुकी है, अब केवल भूख बची है तो चमड़ी की। चमड़ी पसंद है लोगों को, प्रेम से कोई लेना देना नहीं। मां से भी बच्चे प्यार कहां कर रहे हैं, शादी हुई पत्नी आई मां को छोड़ दिया, मां अपना बना खा रही है बुढ़ापे में। अरे जिस मां ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे भीतर उसके अंदर रत्ती भर प्यार ना जागा तो तुम प्यार से शून्य ही तो हो। बताओ, जिस मां ने आपके लिए इतना कुछ किया, जिस बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपके भीतर प्यार नहीं है तो फिर प्यार, सुनो हर स्त्री के लिए बोल रहा हूं, जिस आदमी के अंदर अपनी मां के लिए प्रेम सूख गया हो, उस आदमी के अंदर तुम्हारे लिए भी प्रेम ज्यादा देर ना टिकेगा। इसलिए प्रेम के सागर में डूबे रहो, प्रेम को सुखाओ ना। प्यार चला गया, प्रेम चला गया तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चा क्या समझते हैं, प्रेम को समझते हैं ना। छोटे बच्चों को ना आप यूं कर दो, रोने लग जाता है, और प्यार से पुचकारो तो हंसने लग जाता है। अभी वो 6 महीने का है,
अभी वो 3 महीने का है, लेकिन वो भी समझ गया कि प्यार क्या है, प्यार के स्पर्श को वो समझ लेता है, हाँ या ना, और क्रोध के स्पर्श को भी समझ लेता है। मैया प्यार ना जाने देना, ये जो प्रेम है, भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी माँ ने क्या किया भगवान से, मीरा ने क्या किया, तुलसीदास जी सूरदास जी ने क्या किया, प्रेम। और आप लोगों का प्रेम सूख रहा है, आप प्रेम से बिल्कुल शून्य होते चले जा रहे हैं। आजकल प्रेम नहीं है मेरी माँ, आजकल दोस्तों में भी प्रेम कहाँ, स्वार्थ भरा, इतना ज्यादा स्वार्थ बीच में है कि अब प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है। आदमी स्वार्थ देख रहा है बस, मेरा फायदा क्या है, हर आदमी अपना अपना देख रहा है बस। कोई आपसे राम राम भी करता है ना आजकल, तो उसका स्वार्थ होता है इसलिए राम राम करता, वरना आजकल राम राम करने के भी किसी के पास फुर्सत नहीं है, हाँ या ना। आजकल आपके मोबाइल पे फोन आ जाए ना किसी का, तो वो भी कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, वरना किसको पड़ी है कि तुम कैसे हो, वो तो स्वार्थ में लगाता फिर पूछ ले, हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, हाँ या ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप लोगों को ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने प्रेम को बनाए रखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैंने तो अपने प्रेम को बनाए रखा है, मेरे भीतर तो सबके लिए प्यार है, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र। आजकल लोग प्यार करते भी है ना तो जाति देख के प्यार करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में हर वृद्ध माँ रहती है, ब्राह्मण माँ क्षत्रिय माँ वैश्य माँ शूद्र माँ, और हर माँ के चरण ये दास दबा करके सबसे प्यार करता है। आप भी प्यार हर दीन दुखी से करिए, हर जरूरतमंद की पुकार सुनिए, कुत्ता जरूरतमंद है तो कुत्ते की भी दवाई कराइए, भूखा है तो रोटी उसे भी दीजिए, हर जीव से प्यार हो। नफरत क्यों करें, हम नफरत करके क्या पाएंगे, हम आपसे घृणा क्यों करें। आजकल लोग घृणा करते हैं कुछ लोगों से, प्रतिद्वंदी है आपका कॉम्पिटिटर है तो आप उससे घृणा रहे, कोई कॉम्पिटिटर ना समझो किसी को, किसी से कॉम्पिटिशन रखो ही मत, सबके प्रति प्रेम। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी आपके लिए लाभदायक जरूर होगी। तो जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, दीपावली सभी की मंगलमय हो।